नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। अब सभी तरह के सरकारी ठेकों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी ठेका जारी करने के संदर्भ में एक बड़ा फैसला किया है। बिहार में कोई भी ठेका लेने से पहले ठेकेदारों को एसपी कार्यालय से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा, इसके बाद ही उन्हें ठेका दिया जाएगा। चर्चित रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्य रूप से ठेकेदारों को दिए जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है शीघ्र ही इसको लेकर सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में डीजीपी एसके सिंघल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी भी शामिल थे। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि जितने भी तरह के सरकारी ठेके हैं उनमें ठेकेदार को चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र लेने की यह परंपरा पहले से रही है, पर अब इसे पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र की जांच भी की जाएगी। दरअसल बिहार में ठेकों के लेकर उत्पन्न हुई विवाद में अनगिनत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बड़े से लेकर छोटे ठेकेदार और इंजीनियर तक इस तरह के विवादों का शिकार हो चुके हैं। ठेके में हत्या का खेल कोई नया नहीं है। 90 के दशक से शुरू हुआ यह खूनी खेल कमोबेश आज भी जारी है। पिछले एक दशक में इस पर नियंत्रण जरूर हुआ है, पर यह रुका नहीं है। ठेके में वर्चस्व कायम रहे इसके लिए आज भी कई गिरोह खूनी खेल खेलने से बाज नहीं आते। ठेका विवाद में सांसद से लेकर एमएलसी तक के रिश्तेदार मारे गए। राज्यसभा के सांसद रहे रजनी रंजन साहू के भतीजे की हत्या ठेकेदारी विवाद में ही कर दी गई थी। सीपीडब्ल्यूडी ठेके में ही विमलेश प्रसाद सिंह, महेश शर्मा, दिनेश सिंह समेत कई की जान जा चुकी है। पिछले वर्ष ही छठ के बाद नालंदा के पावापुरी ओपी में पूर्व एमएलसी कपिलदेव सिंह के भतीजे दिनेश सिंह की हत्या बदमाशों ने कर दी थी। वहीं इंजीनियर भी अपराधियों के निशाने पर रहे हैं। वर्ष 2019 में पटना के अनिशाबाद में सहायक अभियंता अमीरुल्ला अंसारी को गोली मारी गई थी। हालांकि इससे पहले भी कई अभियंताओं को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह की ठेकेदारी में सीधे लोगों से जुड़ाव रहता है, उनमें ठेकेदार के साथ साथ वहां काम करने वाले सभी कर्मियों को भी चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जिनके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होंगे उन्हें काम करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे ठेकों में बस स्टॉप, पार्किंग, सब्जी हाट आदि शामिल है। इसमें लोगों से ठेकेदार के कर्मियों का सीधे संपर्क होता है। इसमें सभी कर्मियों को ठेकेदार द्वारा पहचान पत्र देना होगा और सरकार उनके पहचान पत्रों की जांच भी कराएगी। बताते चले कि इंडिगो एयरलाइंस स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या जिस पुनाईचक इलाके में हुई वहां पहले भी कई ठेकेदारों को मारा गया है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच इस इलाके में 3 ठेकेदारों की हत्या हुई थी। ठेकेदार बसंत कुमार को तो हत्यारों ने सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय में ही मार दिया था। वहीं ऑफिस के गेट पर महेश शर्मा नाम के ठेकेदार की हत्या हुई थी। इससे थोड़ी ही दूरी पर विमलेश प्रसाद सिंह की हत्या हुई, उस वक्त की गई जब वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। यह इलाका शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में आता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।